कल गिरफ्तारी आज पेशी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश। नैब की ख्वाजा बरादरान के 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। लीगी कारकुनों की अदालत के बाहर नारेबाजी। कमरा अदालत में जाने के लिए वकला की पुलिस एहलकारों के साथ तल्ख कलामी धक्कम पेल। ख्वाजा साद रफीक ने नैब के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नैब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सुबह का नाश्ता नहीं किया क्योंकि खाना इस काबिल नहीं था कि खाया जा सकता। घर से आए खाने को नैब ने वापस भिजवा दिया। मेरे सेल में सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर रखे हैं। हम दोनों भाई कोई दहशतगर्द नहीं। ख्वाजा साद रफीक की वकील से गुफ्तगू। ख्वाजा बरादरान की पेशी। परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और चौधरी शहबाज एहतसाब अदालत ना पहुंचे। एमपीए यासीन सोहल और मियां नसीर ही आए। दो दर्जन के करीब कारकुन ही नारे लगाते रहे। ख्वाजा साद रफीक के बेटे गुफरान और बेटियों को पुलिस एहलकारों ने कमरा अदालत के बाहर रोक लिया। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ नैब की चार्जशीट तैयार। पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी मंसूबा, एलडीए ने कोई एनओसी नहीं दिया। नैब हुकाम, पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे। नैब हुकाम, ख्वाजा साद रफीक की अहलिया गजाला साद, कैसर अमीन भट्ट और नदीम ज़ियाबी पार्टनर्स के तौर पर सामने आए। कैसर अमीन भट्ट के वादा मुआफ गवाह बनने पर तहकीकत की तौसीक हुई। नैब हुकाम, नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर आम ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस, एंटी राइड फोर्स और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। एमयू कॉलेज चौक ट्रैफिक के लिए बंद। लोगों को दफातर पहुंचने में मुश्किल। स्कूल्स और कॉलेज के तलबा भी रास्तों की बंदिश पर परेशान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के राहदारी रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली का इजलास खत्म होने तक राहदारी रिमांड में तौसी कर दी। शहबाज शरीफ का राहदारी रिमांड आज खत्म हो जाएगा। PP 168, ख्वाजा साद रफीक की नशिस्त पर कल जिमनी इलेक्शन। बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला कल आएगा। पीटीआई के मालिक असद खोखर और नून लीग के राना खालिद कादरी में कांटे का मुकाबला मतवक्के। 1,26,912 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान को आज गवर्नमेंट चिश्ती हाई स्कूल इस्लामपुरा से इंतखाबी सामान दिया जाएगा। कभी क्रेन फंस गई तो कभी ट्रॉली उलट गई। शहरियों के लिए कैनाल रोड पर सफर करना मुहाल हो गया। डॉक्टर्स अस्पताल के सामने सुबह सवेरे चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। कैनाल रोड पर ट्रैफिक जैम। कैनाल से ठोकर न्यास बेग तक गाड़ियों का पहिया जैम। ट्रैफिक वार्डन्स की क्रेन की मदद से ट्रॉली को हटाने की कोशिशें। 4 घंटे के बाद रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। डॉक्टर्स का कैंपस पुल पर एहतजाज करने का फैसला। शेख जायद हॉस्पिटल की ओपीडी 6ठे रोज भी बंद। दूर दराज से आने वाले मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किल। पुलिस की भारी नफरी शेख जायद हॉस्पिटल पहुंच गई। शहरियों के लिए एक के बाद एक मुश्किल। अब गैस लोड शेडिंग का जंजाल। सीएनजी स्टेशन और सनती यूनिट्स को गैस सप्लाई बंद। सनतों को रात 10 बजे से गैस बंद। आज रात 12 बजे गैस की सप्लाई बहाल हो सकेगी। एंग्रो प्लांट के मरम्मत के बायस RNG की वापस सप्लाई दस्तयाब नहीं। पंजाब हुकूमत का कानून साजी में पहला ब्रेक थ्रू। हुकूमत का आज ऐवान में 6 बिल्स पेश करने का फैसला। पंजाब हुकूमत अब तक मुफाद आमा से मुतल्लिक कोई बिल लाने में कामयाब ना हो सकी। पंजाब हुकूमत का सूबे के 6 अजला में नई जेलें तामीर करने का मंसूबा। लाहौर, रावलपिंडी, चिन्योट, खुशाब, ननकाना साहब और चकवाल में भी डिस्ट्रिक्ट जेलें तामीर की जाएंगी। 45 जुडिशियल लॉकअप को सब जेल में तब्दील करने की स्कीम भी मंजूर। वजीर जेल खाना जात ने ऐवान में रिपोर्ट जमा करा दी।
वन व्हीलर्स ने एक और जान ले ली। स्कीम मोड पर वन व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से जा टकराई। हादसे में खातून नसरीन बीबी जाँ बहक, बेटा शेर अली जख्मी, जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार साजिद और इर्तजा को गिरफ्तार कर लिया। रात को होने वाली हल्की बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा, दर्जा हरारत में कमी, ठंडी हवाओं का बसेरा, सूरज और बादलों की आंख मचोली, मतला जुजवी अब्रालूद, सुबह और शाम के औकात में ठंड बढ़ने लगी। बेबसी और जबर की कहानी, फन पारों की जुबानी। अल्हम्रा में समीट के उनवान से नमाज़ का इनेकाद, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी करती नमाज़ में लोगों की दिलचस्पी।